वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ओपन कंसल्ट। आज के वीडियो में मैं आपसे उन कुछ कारणों के बारे में बात करना चाहूँगा जिसके कि कारण पेट दुखता है। पेन इन एब्डोमेन और स्टमक एक या पेट दुखना जो है ये बहुत ही कॉमन कंप्लेन है पेशेंट्स की, जिसके कि कारण उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं और वो दिन ब दिन ज़्यादा परेशान हो पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ 10 ऐसे कॉमन कॉजेज बताना चाहूँगा जिसके कि कारण पेट दुखता है और आप समझ पाओ कि आपको लगभग क्या हो रहा है जैसे ही आपका पेट दुखना शुरू हो, और जब आप डॉक्टर के पास जाओ तो आपको वो घबराहट ना हो, उलझन हो, तो आप उसको क्लियरली पूछ पाओ कि आपका पेट क्यों दुख रहा था। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हर बार जब आपका पेट दुखे तो वो बीमारी है ऐसा नहीं है। लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि हर बार जब भी पेट दुखे तो उनको डॉक्टर के पास दौड़ के जाना चाहिए, ऐसा ज़रा भी नहीं है। अगर आप बहुत देर भूखे हो, सुबह से शाम तक किसी कारण से आप नहीं खा पाए, आप अचानक से खाना खाओ, तो हो सकता है कि पेट में अचानक से एक्टिविटी शुरू हो जाती है जिसके कारण आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा पेन हो सकता है। छोटे मोटे इन्फेक्शन से आपने कभी बाहर का खा लिया, बॉडी में इम्यून सिस्टम नाम की चीज़ होती है जो कि आपको काफ़ी होने वाले बीमारियों से बचाती रहती है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आपने बाहर का छोटा मोटा कुछ खा लिया है और आपकी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट फाइट कर रही है, तो हो सकता है कि आपको पेट में थोड़ा सा ऐठन, थोड़ा सा पेन की शिकायत आपको महसूस हो सकता है, आपको लूज मोशन भी हो जाए। बट अगर ये सारे सिम्टम्स जो है एक दिन या दो दिन में अपने आप रुक जाते हैं तो अगेन आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपका पेन बढ़ता जा रहा है और वो अपने आप ठीक नहीं हो रहा है तो आपको बेशक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। तो ऐसे कौन से 10 कारण हैं जिनके की वजह से आपका पेट दुख सकता है और आपको डॉक्टर के पास भी जाना पड़ सकता है। प्रॉब्लम नंबर 1 इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन जो है वो लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत ही क्रॉनिक बीमारी है, उसके कारण कोई नुकसान नहीं होता, बट ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन के कारण आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है और आपको उसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा एक कारण है, एक बीमारी है जिसका नाम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये भी इंडिया में बहुत कॉमन है। उसमें क्या होता है कि लोग जैसे ही खाते हैं उन्हें स्टूल्स पास करने या संडास करने जाना पड़ता है। ये दो बहुत ही ऑपोजिट चीज़ें हैं। जो दोनों ही बीमारियाँ मैंने बताई, इसमें आपको पूरे पेट में कहीं भी आपको दर्द हो सकता है, कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह बोली नहीं जा सकती। उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर स्टोन या कोलीलिथियासिस। इसका जो पेन है वो जनरली आपको राइट साइड में होता है, गॉल ब्लैडर में पत्थर होने के कारण ही होता है। उसके बाद आता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है वो हमारे इंटेस्टाइन या अंदर जो आंतड़ियाँ होती हैं उनका एक छोटा पार्ट है जिसमें भी अक्सर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो सकता है। उसका भी पेन राइट साइड में होता है लेकिन नीचे की तरफ होता है। तो अगर आपको राइट साइड नीचे की तरफ दुख रहा है तो वो अपेंडिक्स हो सकता है। आपको राइट साइड ऊपर की तरफ दुख रहा है, कोलीलिथियासिस हो सकता है। आपको राइट साइड अगर बीच में दुख रहा है और आपका जो दुखने का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि वो पेशाब की जगह की तरफ जा रहा है या पीठ की तरफ जा रहा है, तो आपको किडनी स्टोन्स की तकलीफ हो सकती है। तो अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया, एक होता है कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलीलिथियासिस, अपेंडिक्स और किडनी स्टोन। अगर आपको लेफ्ट साइड में दुख रहा है और अगर आपको ये बीच में दुख रहा है, अल्कोहल जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं, तो हो सकता है आपको पैनक्रियाटाइटिस की बीमारी हो। इसमें जो दुखता है वो लेफ्ट साइड में दुखता है और पीठ की तरफ जाता है। अब लेफ्ट साइड में दुखने वाली चीज़, अगर आप दारू नहीं भी पीते हैं तो भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकती है, चांसेस बहुत कम है। लेकिन जनरली अगर आप दारू नहीं पीते हैं या आपने कोई सडन ड्रिंकिंग हैबिट आपकी डेवलप नहीं हुई है, तो भी अगर आपको लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में दुख रहा है तो वो हो सकता है कि लेफ्ट साइड की किडनी का पेन हो। इसमें आपको पेशाब की जलन हो सकती है, साथ में हो सकता है ये दर्द भी पेशाब की जगह की तरफ जा रहा हो सकता है ये भी पीठ की तरफ जा रहा हो। तो लेफ्ट किडनी की जो पेन है वो और पैनक्रियाटाइटिस के पेन में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट दोनों ही लेफ्ट साइड में होते हैं। स्पेसिफिकली अगर फीमेल्स की बात करी जाए तो उन्हें लोअर एब्डोमेन पेन में अगर रेगुलरली महीने दर महीने पेन हो रहा है तो इट इज़ जनरली ड्यू टू कॉल मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो आपको ऑफकोर्स डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। अगर आपको पेट दुखता है एकदम छाती के पास, एकदम बीचों बीच, और आपको ऐसे खट्टी डकारें आती है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एसिडिटी की या एसिड रिफ्लक्स डिसीज़ की, जिसका कि जो कि अगर बहुत मात्रा में बढ़ जाए उसको कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें कि जो बॉडी में एसिड, जो पेट में एसिड जमा होता है वही जो है वो आपके खाने के पाइप में भी आता है, तो आपको छाती में भी जलन होती है। आपका पेट दुख रहा है और अगर आपने कोई फिज़िकल एक्टिविटी करी है
जैसे कि वजन उठाने की, या जैसे जिम ज्वाइन करने की, या बच्चों के साथ खेलने की, या कोई नए स्पोर्ट्स आपने ज्वाइन किया, तो कई बार लोगों का पेट दुखता है, उनको लगता है कि वो अंदर से दुख रहा है. ऐसा नहीं है. वेरी कॉमन कॉज ऑफ पेन इन एब्डोमेन इज जस्ट स्केलेटल मसल पेन. मसल की ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप एक्टिविटी कर लो तो उसके कारण भी पेट दुख सकता है, और उसको अपन को पेन इन एब्डोमेन के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी अचानक से बढ़ा दी है और फिर आपको दुखने लगा है, तो आप थोड़ा रेस्ट करें तो हो सकता है वो अपने आप ही ठीक हो जाए. दैट वॉज टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. शेयर विद योर नियर एंड डियर वन. सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लिव हेल्दी, लिव स्मार्ट.